आपसे एक सवाल किया जाए कि एम्पलीफायर में बैटरी का कनेक्शन उल्टा दे दे तो क्या होगा, तो आपका जवाब यही होगा कि एम्पलीफायर फूक जाएगा। और ये सही बात है कि एम्पलीफायर फूक जाएगा, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि एम्पलीफायर में बैटरी का कनेक्शन उल्टा या सीधा जैसे मर्जी दे दे वो चलेगा। जैसे एसी करंट में जैसे मर्जी प्लग लगा देते हैं और एम्पलीफायर चलता है, तो वो कैसे चलेगा आगे वीडियो में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजन कुमार, इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए ये है एम्पलीफायर, तो इसको पीछे की तरफ घुमा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एम्पलीफायर में ये बैटरी का कनेक्शन है, ये प्लस पॉइंट है और यहाँ पे देखिए माइनस पॉइंट है। यहाँ पे हम बैटरी का कनेक्शन देंगे, प्लस बैटरी का यहाँ प्लस में देंगे और माइनस बैटरी का यहाँ माइनस में देंगे, तो हमारा एम्पलीफायर चलता है। और जब हम बैटरी का कनेक्शन एम्पलीफायर में उल्टा दे दें तो हमारा एम्पलीफायर फूके नहीं। इसके लिए क्या किया हुआ रहता है कि यह वाला डायोड सेम ऐसे ही यहाँ प्लस पॉइंट में अंदर की तरफ लगाया हुआ रहता है, तो इसे हम बैटरी का कनेक्शन उल्टा दे देते हैं तो ये डायोड यहीं पे सप्लाई रोक लेता है। क्योंकि डायोड कैसे काम करता है कि प्लस के साइड में प्लस देंगे तो माइनस के साइड में ये प्लस पास करता है, लेकिन प्लस के साइड में माइनस दे देंगे तो माइनस के साइड में कभी माइनस पास नहीं करता है, जिसके कारण हमारा एम्पलीफायर फूकने से बच जाता है। तो इस तरीके से हम एम्पलीफायर में बैटरी का कनेक्शन उल्टा दे देते हैं तो हमारा सप्लाई यहीं पर रुक जाता है, तो एम्पलीफायर में लाइट ही नहीं जाएगा। लेकिन बात आती है कि हम एम्पलीफायर में बैटरी का कनेक्शन उल्टा या सीधा किसी तरीके से भी दे दें तो एम्पलीफायर चले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 5408 का चार डायोड लेना होगा और उसका ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा। और ब्रिज रेक्टिफायर बना के और इसका कनेक्शन कैसे करना होगा, यहाँ देखिए ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये बैटरी है और ये हमारा एम्पलीफायर है, तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले बैटरी के प्लस वाले पॉइंट को ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के प्लस और माइनस वाले पॉइंट में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद बैटरी के माइनस वाले पॉइंट को ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के प्लस और माइनस के यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर के ये माइनस पॉइंट को यहाँ एम्पलीफायर के प्लस पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस वाले पॉइंट को यहाँ एम्पलीफायर के माइनस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब इतना करने के बाद हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है कि बैटरी का कनेक्शन हम उल्टा या सीधा जैसे भी दे दें, इस पॉइंट में हमें प्लस ही मिलेगा और इस पॉइंट पे हमें माइनस ही मिलेगा। तो कैसे मिल रहा है वो देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए बैटरी में प्लस पॉइंट में प्लस का वायर लगा दिया और माइनस पॉइंट में माइनस का वायर लगा दिया। तो अब क्या कर रहा है कि ये प्लस पॉइंट में वायर जो यहाँ पर लगा हुआ है ये, तो अभी ये डायोड सिर्फ काम कर रहा है। तो ये डायोड क्या कर रहा है कि यहाँ प्लस के साइड में प्लस लेके और माइनस के साइड में यहाँ पे प्लस पास कर दे रहा है, और माइनस जो यहाँ पे दिया हुआ है इस पॉइंट में, तो ये क्या कर रहा है कि ये माइनस के साइड से ये डायोड इधर प्लस के साइड में माइनस पास कर दे रहा है। तो यहाँ हमें प्लस और माइनस दोनों मिल जा रहा है। तो अभी सिर्फ ये और ये डायोड काम कर रहा है। अब अगर बैटरी के वायर को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि प्लस पॉइंट में माइनस लगा देते हैं और माइनस पॉइंट में प्लस लगा देते हैं, फिर भी यहाँ प्लस और माइनस इस दोनों पॉइंट में मिलेगा, तो कैसे मिलेगा वो देखिए। अब देखिए इस वायर को हटा के मैं बैटरी का कनेक्शन चेंज करता हूँ। अब देखिए बैटरी का कनेक्शन मैंने चेंज कर दिया। अब क्या हो रहा है कि ये डायोड यहाँ पे प्लस वाला साइड यहाँ पर आ गया, तो ये प्लस वाला वायर यहाँ उल्टा कर दिया तो प्लस यहाँ पर आने लगा। तो यहाँ पे आने का मतलब क्या हुआ कि अब ये डायोड काम करना बंद कर दिया और ये डायोड काम करने लगा, तब ये प्लस साइड से इधर माइनस के साइड में प्लस पास करने लगा, तो अब हमें यहाँ प्लस ही मिल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ माइनस पॉइंट है, तो यहाँ माइनस पॉइंट यहाँ मिलने लगा, तब क्या होने लगा कि ये डायोड काम करने लगा और ये डायोड माइनस के साइड से इधर प्लस के साइड में माइनस पास करने लगा, तो अब हमें किसी भी हाल में यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस मिल रहा है। तो हमारा एम्पलीफायर यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन हम उल्टा दे दें या सीधा दे दें, किसी भी हाल में हमें यहाँ प्लस और यहाँ माइनस मिलता रहेगा और एम्पलीफायर हमारा चलने लगेगा। तो ऐसे करके आप बैटरी का कनेक्शन उल्टा दे दें या सीधा दे दें, एम्पलीफायर चलेगा ही चलेगा। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बाहर बताया है, तो इसको अंदर अगर लगाना चाहते हैं तो कहाँ कनेक्शन करना होगा वो समझिए। तो पहले ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद अब ये देखिए कि ये जो माइनस और प्लस वाले पॉइंट जो है और इधर माइनस और प्लस वाला पॉइंट है, ये एम्पलीफायर के प्लस पॉइंट में
एक पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए और दूसरे पॉइंट को माइनस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए। ये पॉइंट को इधर माइनस या प्लस किसी पॉइंट में भी किसी पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ये अंदर की तरफ एम्पलीफायर के अंदर इस दोनों पॉइंट को ये प्लस और माइनस में कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से जो प्लस आउट होगा और यहाँ से माइनस आउट होगा, ये दोनों प्लस और माइनस को एम्पलीफायर के बोर्ड में बड़ा वाला जो कंडेंसर होता है वो 4750 वोल्ट या 3350 वोल्ट में लगा होगा, उसके प्लस पॉइंट में प्लस को कनेक्ट कर दीजिए और माइनस पॉइंट में माइनस को कनेक्ट कर दीजिए। तो हमारा ऐसे करके कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और आप बैटरी के कनेक्शन को जैसे भी लगाएंगे एम्पलीफायर बिल्कुल सही वर्क करेगा। तो इस तरीके से कनेक्शन करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही अपलोडेड वीडियो आप लोग को देखने को आगे भी मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।